अस्सलाम वालेकुम, मैं भाई आपका भाई रेहान मुमताज़ आपकी खिदमत में एक और बार पेश है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इनवाइटेड है इफ्तार पे, बल्कि इनवाइटेड नहीं है, हमने एक गेट टुगेदर किया है इफ्तार का, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं मिलादन के रूप वालों का। तो आज हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अभी हम मेहमान के घर के नीचे है, इधर वेट कर रहे हैं। टाइम जो है बढ़ता जा रहा है, 5:30 हो गए, निकलना हमने जो था 5:15 बजे का। अब मानी के घर से निकलो, सामा लुक को पिक करेंगे, फिर हमें वहाँ पे जाना है। सो जहाँ थोड़े आके हाथ बटाएंगे, हमेशा की तरह हमारे जो प्लान्स होते हैं ऑन टाइम नहीं होते, हमेशा की तरह हम जब पहुँचते जब सब हो चुका होता है। तो बहरहाल आज भी जाके देखते हैं कि पहले पहुँचते हैं बाद में पहुँचते हैं। तो मिला दे रहे ग्रुप, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, क्रिकेट वगैरह वहाँ पर होती है हमारी, और एक ग्रुप का मैं फैमिली की तरह ज़्यादा है। 10 मिनट हो गए हमने होने वाले, 10 मिनट होने वाले, मैं अपने घर से यहाँ पहुँच गया हूँ, जो कि 10-12 मिनट का 10 मिनट का रास्ता है अगर ट्रैफिक ना हो। तो जब मैं घर से निकल रहा था, मैंने इस शख्स को बोला था कि मैं आ रहा हूँ, कहता आज मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ उसे कपड़ों में। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर रहा, मैंने कहा ठीक है। अब आ के हमें इधर 5 से 7 मिनट हो गए तकरीबन, अभी भी कपड़े चेंज कर रहा। तो मैंने बोला कि कपड़ों में फंस गया भाई, तो अभी तक नहीं आया भाई, और टाइम हो गया है 5:35। अफ्तार में तो खैर 1 घंटा है तकरीबन, लेकिन अच्छा नहीं लगता ऐसे जाना, क्या है ना? सही बात है, बिल्कुल पहले पहुंचना चाहिए। सामने आपको दिख रहा होगा एक शख्स चलता हुआ आ रहा है, ओह, जिसके घर के नीचे हम पहुंच गए, पर वो अब बाहर उतरता हुआ आ रहा है। तो चल भाई, हमेशा लेट, कभी टाइम पे नहीं, या कभी कभी तो टाइम पे आ जाया करो। मुझे गाड़ी लॉक होगी छत पे, गाड़ी लॉक करो तुम्हारा, गाड़ी लॉक करो। अस्सलाम वालेकुम, लेट नहीं हुआ अभी, आधा घंटा पड़ा है, चलो बैठो। तो क्या जाके सिर्फ खाना है? कैसे मानी भैया, वेले नहीं होते हम, काम होते हैं। हाँ मानिया, नहीं हम कभी टाइम पे नहीं होते, क्या है ये? टाइम पे मैं वहाँ से इधर आ गया, मैं इधर उधर से इधर आ गया, तुम अभी नीचे उतरे हो, जल्दी आ जाते हम टाइम पे। हाँ तो देखा, टाइम की पाबंदी होनी चाहिए ना भाई। तो अब हम जा रहे हैं उसामा की तरफ, उसामा को पिक करने जा रहे हैं हम लोग। अफ्तारी जहाँ पे भी आप कहीं पे भी इन्वाइट हो तो रश बहुत मिलता है भाई, हमेशा कोशिश करो जल्दी निकले, है ना मानी? कभी नहीं, जो खुद जल्दी नहीं आता वो क्या जल्दी निकलवाएगा। पहले रोडों पे हर जगह रश रश रश। अभी हम लोग जा रहे हैं सामा को पिक करने, गूदा को पिक करेंगे, और सामा के बाद हमने हमजा को पिक करना है जो कि सोया हुआ था और बड़ी मुश्किल से उठाया है उसे। ये खड़े होंगे नीचे, खड़ा होगा, खड़ा होगा, इतनी इज्जत के काबिल नहीं है। गोदा मारा हमारा लव है गोदा, अगर ये नीचे नहीं खड़ा होगा तो हमारे हमारा लव नहीं है भाई। यार ये देखो यार, कसम से यार, हम उसके घर के नीचे आ गए भाई, लेकिन ये भी मौजूद नहीं है। मानी कॉल करो उसे। यार हम वहाँ से उधर आ गए, मैं अजीजिया से इधर आ गया हूँ, तुम नीचे नहीं आए, नीचे खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, गोदा कैसे हैं आप? गोदा भाई आप क्या तरीका है? ये मेरा एक सवाल है, पूछो। ठीक है, ऑन कैमरा में सवाल पूछ रहा हूँ, ये सलवार कमीज पहन के क्यों आया आज? कौन? यही सवाल मैंने इससे किया, मुझे लगा कि तुम लोग पहन के। और ये एक सेकंड, सॉरी बात काट रहा हूँ, एक शख्स ये आ गया, ये आ गया, ड्राइवर बना हुआ है, मैंने नहीं ड्राइवर ना, अरे मैंने तो छोड़ दी थी। अस्सलाम वालेकुम हमदा भाई, कैसे हमदा? अच्छा भाइयों, पता है कि हमने ना कल प्लान किया था रात में, ना काफ़ी गहरी प्लानिंग हुई,
कि जो है हम लोग जो है ना रात में ये प्लान करके के रात को 4 बजे तक 3 बजे तक जो बात होती रही हमारी कि हम लोग जो है ना हमजा हमें पिक करेगा 5:15 बजे हमजा हमारे घर के बाहर आ जाएगा 5:15 फिर 5:15 बजे कितने बजे भाजी 5:15 बजे ठीक है 5:15 की बात हुई थी कि हमजा आके पिक करेगा हमें ठीक है। अब हमजा को जो है हम कॉल पे कॉल करें हमजा उठा नहीं रहा। तूने भी कॉल की नहीं कोई व्हाट्सएप पे मैसेज तूने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हमजा को कॉल का कॉल आंसर नहीं की 5:30 बजे कॉल करके उठा के बोलता हाँ सो रहा हूँ यार यार हम वहां से इधर आ गए और ये सोया हुआ 5:30 हो रहे हैं 5:30 हो रहे हैं 4:30 बजे एक कॉल नहीं की है एक कॉल आई नहीं 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 कॉल है नहीं दो है बुल्लू भरा हुआ है उसामा मैंने गोदू मैंने से पता है क्या सवाल पूछा क्यों पहन गया है ये यार मैंने से ये सवाल किया पिछली बार 2 बार मैं दावत हूँ तुम लोग के शलवार कमीज पहन के आया आज मैं पैंट शर्ट पहन के आया तो ये शलवार कमीज पहन के आया क्यों व्हाई द रीजन चलो भाइयों खैर अब हम लोग जा रहे हैं दावत में बिन लादेन इसको नफरत थी शलवार कमीज से है ना इसको नफरत थी मजबूरी को शलवार कमीज पहन के आता उसको बोलता था गरीब आदमी है मुझे ये लगा कि तुम लोग पहन के आओगे तुम लोग की आदत है मैं तो मैं बोला ना मैंने 2 बार पिछली बार पहने लेकिन तुमने तो किसी ने नहीं पहने तो मैंने कहा छोड़ो वो भी आज तंदूर वाला बन के आया दोबारा यार मरवा दिया ना तूने यार बन जानी मेरे नहीं टाइम नहीं है टूर्नामेंट भी है मानी और मैं हम लोग टीम में खेल रहे हैं साथ में उसामा भी खेल रहा है और साथ में वो लेफ्ट पे जो शख्स बैठा है वजी वो टीम मैनेजर है और ये पीछे टीम मैनेजर और ये जो शख्स बैठा है हमजा ये टीम ओनर है टीम सख्त मैनेजर है तो इंशाल्लाह खेलेंगे कौन सी उंगली दिखा असामा मानी के साथ ओपन करेगा हाँ कर लेंगे हाँ मानी तू सामा से ओपन करेगा बस तो बाकी रात को भी अपडेट करेंगे इंशाल्लाह मुलाकात होती है मिलाते हैं हम लोग जाए मिलाते हैं पहुँच गए और यार यहाँ की सबसे अच्छी बात ये हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं सबसे अच्छी बात क्या है आपको अरेंजमेंट कहते हैं ना हमारे एक भाई है कमाल अरेंजमेंट कहते हैं बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास अरेंजमेंट कहते हैं तो चलो यार माशाल्लाह अरेंजमेंट होता है इधर हमेशा का इधर ही हम खेलते हैं और माशाल्लाह पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ से दिखाएंगे वेलकम टू जद्दा क्रिकेट ये हमारी टीम है ये पोस्टर वगैरह खुद ही लगाया है माशाल्लाह इधर के अरेंजमेंट की बात ही अलग है भाई माशाल्लाह हर किसी को यहाँ पे ड्यूटी दे दी जाती है वो अपने अपने हिसाब से अरेंज करता रहता है हर किसी को यहाँ पे ड्यूटी दे दी जाती है अजान करीब है नमाज का भी इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने ये नमाज का इंतज़ाम किया हुआ चाट तैयार हो रही है काटेगा तो काट दो ना 10 मिनट 20 मिनट रह गए ना खाली जो बाल्टी में है ना उसी की है ये बाल्टी यार उसमें पानी है कि नहीं किसमें लाल वाले डब्बे में ला रखा है हमारे याकूब भाई है हमेशा ये भाई जो है हमारे कोरमा तैयार करते हैं जबरदस्त किस्म का कोरमा तैयार करते हैं मटन का और आज जो है भाई इनके हाथ के फ्रूट चाट हम लोग खाने वाले हैं
इफ्तार के लिए। जजाक अल्लाह खैर। ये भाई अभी से ज़्यादा ख़त्म कराएंगे यार। तो यानी आज हम लोग को याकूब भाई के हाथ का कोरमा नहीं मिलने वाला, आज बिरयानी मिलेगी इंशाल्लाह। बिरयानी मिलेगी इंशाल्लाह, मुगल वाली। अबूदी को बोल बिरयानी आएगी। बताओ देखो तो ये सब अबूदी यहां का दुनिया में जिंदा है ये नहीं है जिंदा है ना दूदी अबूदी के लिए बोल दो तू शादा ना। और जिंदा है भाई जी, खुद ही पूछ लो मैं क्यों नहीं आता। सारा दिमाग केवल फट जा रहा है। इरफान भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। जहां नासिर भाई बैठेंगे ये नासिर भाई पूरे नासिर भाई की अबे क्या कर रहे हैं भाई? हाँ शुक्र भाई कैसे हो? बढ़िया आप सुनाओ रियाज। हम जरा बढ़िया आप बताएं कैसे? सब खैरियत। उसामा को छोड़ दिया? उसामा बोल ना बोल दो। उसामा भट्टी वो पता नहीं आ रहा मुझे अभी, उसी भाई ने बताया नहीं आ रहा, वो उम्रे पे जा रहा है। तो सब कुछ रिलीज कर दिया उसने। अभी भाई दो मिनट आएंगे। भाई आप कहाँ हो? हम तो यहाँ है बसे भाई की नगर के। वो प्लास्टिक लाए खलील भैया किसी थैली के अंदर रखी होगी, वो उसको लगा के फिर पैक करके रखो, ढाक के रखना। भाई ये हमारे प्यारे वसीम भाई है, बिन लादिन को आज जहाँ भी इस मुकाम पे पहुँचाने वाले जो है ना, ये शख्स है। और भी चाहिए? और भी चाहिए। तो माशाल्लाह वसीम भाई आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या लोग इतना टाइम निकाल लेते हैं भाई? ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत हमें टाइम निकालने पे मजबूर कर देती है। इस मुकाम पे बिन लादिन को पहुँचाने वाले जो शख्स है वो ये है। ये जितनी भी अरेंजमेंट आप लोग देख रहे हैं इससे पहले और जितनी भी अरेंजमेंट हमने आज तक देखी है, तो वसीम भाई के यहाँ लिटरली दिल से हम लोग शुक्रिया कहते हैं इनका। और माशाल्लाह ये रौनक है यहाँ की बिन लादिन की, माशाल्लाह। दसना भी बोले असल तैयारी यहाँ पे हो रही है, असल तैयारी यहाँ पे हो रही है। दोनों में डाल वाले अरे बड़ा हाँ याकूब भाई, आप प्रॉपर शेफ शेफ ही हो यार आप। भाई ये तैयारियाँ जोरों शोर से जा रही है। सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ज़्यादा खैरियत? जावेद भाई कैसे हैं आप? अरे क्या हाल है? क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह आसमान सब ठीक ठाक है, आसमान सब मज़े में। कैसी तबीयत? अलैकुम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हम सब जानना चाहते हैं फितर से कहाँ गए थे? भाई जान कहीं नहीं, बस छुट्टी गए हुए थे, अभी वापस आए। बहुत आवाज़ें उठी है आपके गायब होने पर हमारे खिलाफ। तो किधर गए थे? छुट्टी गया हुआ था बस, अभी वापस आए हैं। चलो यार अभी जॉइन करेंगे। दो चार सारी देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू। सलाम यासर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? सलाम अलैकुम, खैरियत? ठीक ठाक। उस्तादों के उस्ताद हैं ये भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे भाई हमारे, अली भाई मेरी टीम के कैप्टन भी हैं, हमारे कप्तान भी हैं। इस्मान भाई क्या प्यारे,
यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ ये लोग की जो मोहब्बत है ना, माशाल्लाह। हम लोग ये आने पर मजबूर करे थे, इतनी अपना पाने माशाल्लाह, कहीं के लिए टीम ही एक फैमिली हमारी है, तो हम सब जब इधर आते रिलेटिव एक फैमिली है, तो आने का एक मज़ा ही आ रहा है बहुत माशाल्लाह। ये शख्स जिसकी शक्ल बता रही है भूख से, ये शख्स जो जहाँ भी आता है खा के कल्टी का नारा लगाना, ये ऑलवेज लाइक हम दी दी क्यूट वो नारा तो लगाना ही है खाने के बाद नमाज के बाद। हाँ अच्छा, अजान में कितना टाइम है? बैठना बेहतर है, 10-12 मिनट तो दुआ मांगो, तुम ये बंद करो ना, बिक मांगे खा दो लो मैं दो आदमी की सुन कर भाइयों, जो रमज़ान जब सऊदी अरेबिया के हैं, जो रौनक रमज़ान के सऊदी अरेबिया के, वो दुनिया में कहीं की नहीं हो सकती, कहीं की भी ऐसी रौनक रमज़ान की नहीं हो सकती। अपना मज़ा रमज़ान का, थोड़ी सी इफ्तार के बाद के आलम, हर कोई गैदर गैदरिंग बना के खड़ा हो गया। अब ये अभी जो इफ्तारी हमने की थी वो नॉर्मल थी, यानी रोज़ा खोलना था, वो एक फ्रूट चाट वगैरह, अब जो है खाना लगेगा। इन दोनों की कुछ बहुत डीप पर्सनल डिस्कशन हो रही है, बहुत पर्सनल डिस्कशन हो रही है, डिस्कशन बता दो हमें भी क्या डिस्कशन हो रही है। या सामा चले चले, दो बंदे गायब है कोने में, कौन से कोने में? किसी कोने में क्या है, क्यों है किसी कोने में? मानी रमजान कहाँ थे तुम लोग? हाँ तुम लोग इफ्तार के बाद कहाँ गए हो गए थे? नमाज तो हमने भी दिखाई है, नमाज में नहीं थे तुम, नमाज के बाद की बात कर रहा हूँ। नमाज के बाद वॉक करने गए थे कहाँ पे? हम पे पूरा ग्राउंड जगह वॉक करनी है। देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। कुछ देर में खाना लगने वाला है, और खाने के मेन्यू में है बिरयानी। उससे पहले ये माशाल्लाह हमेशा के एक अरेंजमेंट होता है, तो व्यू स्टार्ट होने लगा। हमेशा की तरह ये एक अरेंजमेंट होती है माशाल्लाह। माजिद भाई वक्त में बताया गया था कि हमारी मंजिला 3 टीमों की है, और उस 3 टीमों के लिए अब्दुल माजिद भाई ने जो किटों का अनाउंसमेंट किया था, उसमें माजिद भाई ने ये भी ऐड करवाया कि जो हमारे कैंप के जो मेंटेनेंस के जो लोग हैं उनका भी नाम इंक्लूड किया जाए, तो हम लोगों ने उनके भी नाम ऐड कर दिए। उसी तरीके से अब हमारी जो टीमों की, जैसे पहले हमारे पास तकरीबन पूल में जो है 42 से 45 लड़के थे, अब जो है हमारी टीम के अंदर तकरीबन 56 से 60 लड़के प्लेयर्स हो गए, जो ऑन एंड ऑफ जो है, कभी कोई छुट्टी में होता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, इस तरह से रहते हैं। इंतजार हो रहा है किस चीज़ का? खाने का, खाने का, खाने का। भाइयों टाइम होता है खाने के, भूख लगी, भूख लगी है। यान भाई आप इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाओ। हाँ शकुर भाई, रायता
नहीं अच्छा बात सुने मुगल है ना मुगल खुशबू बता रही है अंदर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो ये इधर इधर सकीम सकीम इधर ले बिरयानी वो भी मुगल की चटनियाँ किसने उठाई मुझे ये बताओ बिरयानी वो भी मुगल की क्या चटनी इसके अंदर हमारी चटनी क्यों उठाई हाँ गोदा कैसा चटनी हमारी क्यों उठाई यार तुम चटनी पे लड़ो मेरे सिर में हाँ हमजा कैसी गरम हो रही है गोदा खाओ ना हम तो तुमने तो रायता पूरा ही फैला दिया बदतमीजी कर दी तुमने भाजी इधर डाल रहा जजाक अल्लाह खैर जजाक अल्लाह खैर यार ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो भाजी क्या आ रहा है ना मुगल की बिरयानी है ये मुगल की पहली बार खा रहे हो बेस्ट बिरयानी इन टाउन मुगल हमदा कैसी है जबरदस्त है तुझे पता है क्या अभी तो इसका टेस्ट फिर भी चेंज हो गया लेकिन वरना सबसे बेस्ट बिरयानी इससे अच्छी कोई नहीं थी हाँ मज़ा आ गया जब जाने का टाइम होता है एक बैट ले लिया हमने यहाँ से टूर्नामेंट के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी मज़ा है हाँ भाई इंजॉय क्या नहीं किया इंजॉय किया कि नहीं किया खाना कैसा था यार अच्छा बिरयानी ने तो मस्त काम कर दिया एक और बात ये वाला बैट मानी गाड़ी में मानी की गाड़ी में निकाल यस तुम्हारी गाड़ी में रखा तो भाई इंशाल्लाह मुलाकात होती है हो सकता है अभी जाके मिलेंगे नाइट टूर्नामेंट में इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा लाइक शेयर कीजिएगा भाई को दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़